यार, एक तो ये गर्मी पड़ रही है, ऊपर से सब्जी के दाम आसमान में पहुंच गए हैं। पता नहीं यार क्या होगा। टमाटर के तो बताओ अलग ही नखरे हैं, वो 270 रुपए किलो होके बैठा है। क्या करें, कैसे करूं दुकानदारी, कैसे बढ़ाऊं अपनी, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब नमस्ते, सब्जी दे दो भाई साहब। अरे भाभी जी ले लो, हमने कौन से तुम्हारे हाथ पकड़ रखे है, बताओ क्या देना। अच्छा भाई साहब, ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हो। अरे भाभी जी ले लो, आपको भी क्या, सही रेट लगा दूंगा, ले लो। अरे ले लो क्या, ऐसे ही उठा के भग जाऊं, रेट बताओ क्या रेट दिए। चले भाभी जी, हम आपको 260 रुपए किलो लगा देंगे, ले लो। हाय राम, 260 रुपए किलो, इतने महंगे टमाटर। पिछले हफ्ते तो हमने 200 रुपए किलो खरीद लिए थे, अब सीधे 260। भाई साहब इतनी जल्दी तो औरतों के भाव भी नहीं बढ़ते जितने जल्दी आपके टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, बताओ। अरे भाभी जी, हम कौन सा अपने घर से रेट बढ़ा रहे हैं, ऊपर से रेट बढ़ के आ रही है तो हम बढ़ा रहे हैं बस। ऊपर से क्या, भगवान जी तुम्हें चिट्ठी भेज रहे हैं कि बेटा टमाटर के रेट बढ़ा दो। बात कर रहे हैं ऊपर से। अरे भाभी जी, ऊपर से मतलब मंडी से, आप अपने अलग ही ट्रैक पे चल रहे हो। अरे मंडी से कहीं नहीं, दुकानदार यही दुकान पे बैठे बैठे सब्जी के रेट बढ़ा देते हो और नाम मंडी वालों का लगा देते हो, हमें सब पता है। हमें का पता नहीं है क्या। हाँ तू तो सब पता हो, तू तो भगवान की अम्मा है रही है। ए, तो बोल लगी तनी ना, और हमने तो होते थे टमाटर, दोनों में कीड़ा पड़ेंगे, तब तो बोलने की तमीज आवेगी। बोलने की तमीज ही ना, महिलाओं से कैसे बात करती जाती है। अरे तो बहन जी, तुम भी तो तब से बहस करी जा रही हो, टमाटर लो जाओ, इतनी बहस करने की क्या जरूरत है तुम्हें। अब दिमाग खराब नहीं होगा आदमी का तो क्या होगा, तो गुस्से में निकल गया, सॉरी माफ कर दो हमें बस। अच्छा हम बहस कर रहे हैं, रेट तुम महंगे लगा रहे हो और बहस हम कर रहे हैं, मुझसे फालतू बोलने की जरूरत ना है, मैं अभी तुम्हारे सारे टमाटर रोड पे पड़े दिखाई देंगे, ज्यादा बनोगे तो। हाँ भाभी जी, तुम भी तो टमाटर में इतना मोल भाव कर रही है खाने पीने की चीज में, और ये तुम्हारे शकल पे पोतती हो तुम, आईलाइनर मस्करा जे इनमें ना तुम मोल भाव करती होंगी, इन्हें तो तुम हाल दे देती होंगी 500-600 रुपए। लो भाई साहब। अच्छा तुम दिलवाते हो हमें जो हमसे बात कर रहे हो, हमारा आदमी दिलवाता है तुम्हें, इससे क्या मतलब, हम चाहे 500 का खरीदे, चाहे 800 का खरीदे, चाहे 1000 का खरीदे, तुमसे कोई मतलब। अरे भाभी जी हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बस आपसे कह रहे हैं कि आदमी बताओ खाने पीने की चीज में इतनी बहस करता है और पालतू की चीजों में हाल पैसा भर देता है। हेलो ले लो ऐसे, वाह वाह वाह, बहस करने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। अरे क्या हुआ भाभी जी, कौन परेशान कर रहा है आपको। अरे क्यों भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हो भाभी जी को। आ गया गरीबों का मसीहा, 2 महीने से 350 रुपए उधार है, वो तो दिए ना जा रहे, आ गया पछले ने, पूछी नहीं से मुझसे क्या पूछ रहा है। अरे तुम्हारे पैसे कहीं भगे थोड़े ही जा रहे हैं, दे देंगे। छोड़िए भाभी जी, आप बताइए क्या हुआ, कौन परेशान कर रहा है आपको। अरे कुछ नहीं हुआ भाई साहब। अरे भाभी जी, भाई साहब मत बोलिए, लाखन चौके नाम है हमारा। अच्छा तो लाखन भाई साहब, बात ये है कि ये आदमी। अरे भाभी जी आप फिर भाई साहब बोल रही हैं, आप खाली लाखन बोलिए हमको अच्छा लगेगा। हाँ तो लाखन जी, कुछ नहीं हुआ, बस हमने इनसे सब्जी का रेट पूछा, उतने में ये आदमी हमारे ऊपर बरस पड़ा एकदम। कितना अच्छा लगता है भाभी जी आपके मुँह से लाखन एकदम। क्या मतलब है आपका। अरे कुछ नहीं भाभी जी बस। अरे यार लाखन भैया, यार तुम यार सुबह क्या घर पर भाभी जी से लड़ाई करके आए हो क्या, इन बेचारी भाभी जी से लड़ रहे हो, यार ऐसा मत करो यार। अच्छा ये बेचारी भाभी है तो इन्हें घर पर ले जा बेचारी है तो। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, हम अपने घर पर क्यों ले जाएंगे, भाभी जी अपने घर पर जाएंगी, तुम छोड़ो भाभी जी, आप बताइए पूरी बात क्या बात है। टमाटर ले लो, मिर्ची ले लो, धनिया ले लो, हमसे मंदा कोई ना दे पाएगा इस जमाने में, सब्जी ले लो। अबे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, बेवकूफ, यहाँ दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, तू बीच में भौंक रहा है। अरे भाई साहब हम तो सब्जी बेच रहे हैं, भौंक थोड़े ही रहे हैं, भौंक तो आप रहे हैं और वो भी रोड पे, तुम्हें बात करनी है तो घर पर जाकर करो।
अम्बानी की छठी औलाद हो रखे हो जो। अरे यार बड़ा बदतमीज है ये सब्जी वाला, बताओ कैसे बात कर रहा है, कोई ऐसे बात करता है क्या? क्या भाभी जी वहाँ से क्या ले रही हैं, हमसे ले लो, हमसे मंदा कोई नहीं बेच पाएगा इस दुनिया में, मजाक नहीं करते भाभी जी हम। अच्छा टमाटर क्या रेट दे रहे हो भैया? अरे ले लो भाभी जी आप टमाटर, आपको बस 200 रुपए किलो लगा देंगे मात्र। देखो मैं कह रही थी कि टमाटर 200 रुपए किलो है, तो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? ये दुकान पे बैठे बैठे लोगों को ठग रहा है ये दुकानदार। हाँ तो हम इतनी बड़ी दुकान पे बैठे हैं, दुकान का भी किराया निकालना है, लाइट जलती है, लाइट का भी किराया निकालना है, कहाँ से निकालेंगे ये सब? उसका क्या है, वो तो रेड़ी पर बेच रहा है, उसको किसको देना है बताओ? हम जरा सा बढ़ा के भी नहीं बेचेंगे। हाँ तो सारा किराया टमाटर से ही निकाल लेना है। अरे निकालना है तो 10 रुपए महंगा कर लो, 20 रुपए महंगा करके बेच लो, ये थोड़े ही है कि सीधे 70-80 रुपए बढ़ा के बेच दो, कुछ तो शर्म करो, ऐसे थोड़ा ही होता है, किसी का पैसा आराम का आ रहा है जो तुम्हें सीधे 70-80 रुपए बढ़ा के दे देगा? ऐसा है भाभी जी ज्यादा दिमाग खराब मत करो, जाओ उसकी ठेली पे मरो जाके उससे खरीदो। देखो बोलने की कितनी तमीज है, और हाँ हम तो उससे लेंगे, तुम जैसे बेईमान से कौन खरीदेगा, हम उससे लेंगे। बताइए भाभी जी क्या देना है आपको सब्जी में? अरे भैया एक एक आदमी दुकान पर बैठे बैठे लोगों को लूट रहा है बस, उसको नहीं बिल्कुल भी पता कि बेचारा आदमी कहाँ से कमा के लाता है। छोड़ो भाभी जी आप क्यों नाराज हो रही हैं? हाँ भाभी जी वैसे आप बात भी सही कह रही हैं, अभी जी हम तो बस ईमानदारी का कमाते हैं, 2-4 रुपए मिल जाए बस उसी में खुश रहते हैं, ज्यादा लालच नहीं करते भाभी जी हम। हाँ भैया ये बात आप सही कह रहे हो, आदमी को ईमानदारी से कमाना चाहिए भाई, बेईमानी कौन करता है, दे दो आप हमें 1 किलो टमाटर, तोलो आप हमारे लिए बस। अरे ओ टमाटर वाले रुक। अरे यार ये कहाँ से आ गया, भागो ये नहीं बेचने देगा, पल खोल देगा मेरी सारी, भागो यहाँ से भागो। ओए ओए रुक, ओए रुक टमाटर वाले भाग कर रहा है, रुक 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 रुक। अरे चाचा क्या हुआ, कैसे घुटनों पहन के भाग रहे हो, क्या रेस लगा रहे हो इसी उम्र में किसी के साथ? अरे कुछ नहीं लाकन बेटा, सारी जिंदगी खराब कर रखी है इन ठेले वाला ने। अरे इससे अभी यार 1 किलो टमाटर लिए थे, मैंने देखे नहीं, इसने सारे टमाटर सड़े मुझे पकड़ा गया है, बताइए। हाँ और ले लो इन ठेले वालों से मंदे टमाटर, और चाचा इन भाभी जी को दिला देना 2 किलो टमाटर। अरे हम 2 रुपए महंगी चीज बेच रहे हैं, पर अच्छी तो बेच रहे हैं चाचा, अरे हमारी दुकान से लोग हैं, हम एक नंबर बढ़िया माल लेके आते हैं, और खराब हो जाते हैं उसको साइड में फेंक देते हैं, हम किसी को नहीं देते, और हमारे पड़ोस में ही रहते हो तुम, तो दुकान पर कभी भी लाओ कभी भी अदल लो बदल लो, इनका क्या है ये तो दे के भाग जाते हैं। तो दोस्तों एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, अच्छा और स्वच्छ खाएं, चाहे थोड़ा ही खाएं, धन्यवाद।